दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं रेड सॉस पास्ता। तो आइए रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और देखते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। बनाने वाले हैं रेड सॉस पास्ता। तो आज हमने पास्ता में पैने पास्ता लिया है, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। और हमने यहाँ सॉस बनाने के लिए कुछ सामग्री ले रखा है। तो जैसे ही हमें रेड पास्ता बनाना है इसलिए हमें सॉस बनाना पड़ेगा। सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 है यहाँ पे रेड चिल्ली लिए हैं। और हमने कुछ अदरक ये गार्लिक है जो हमने पीसेस में कट करके रखे हैं बारीक। तो सबसे पहले हमें सॉस बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। हमें ऊपर के हिस्सा को ये निकाल लेना होगा। ऊपर के हिस्सा निकाल के यहाँ पे हमें कट देना है। और यहाँ पे हमने पैन लिया है, उस पैन में रख रही हूँ। पहले मैं एक बार इसे सारी टमाटर को कट कर लूँ। इस तरीके से जो है कट करके रख लेना है ताकि ये इससे थोड़ा जल्दी हमारा जो है टमाटर का स्किन जल्दी से उतर जाएगा और हमारा टमाटर उबल जाएगा। तो फटाफट मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। पैन में हमने पानी डाल दिया है और टमाटर भी ऐड कर लिया। यहाँ पे हमने 3 से 4 मिर्च लिया है रेड चिल्ली और उसे हम उबाल लेंगे। उबालने से पहले हम इसे ढक लेते हैं और अच्छे से उबाल आने देते हैं। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे चूल्हे पे और इससे पहले हम यहाँ पे पास्ता उबाल लेंगे। पास्ता के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, पानी में उबाल आ गया है। इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें हम डाल देंगे सारा पास्ता। जैसे कि हम सबको पता है पास्ता को हमें ज़्यादा उबालना नहीं है तो इसे हम 80% ही उबालेंगे। तो लीजिए टमाटर हमारा अच्छे से उबल गया है और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका स्किन भी निकाल लेंगे। इसे पहले पानी में डाल लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए और हम इसका अच्छे से प्योरी बना लें। इसका तो पूरा खाली बाहर आ गया है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं और जार में इसे अच्छे से प्योरी तैयार कर लेंगे। मिर्ची को भी बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा पास्ता अच्छे से उबल गया है। 6 से 7 मिनट लगता है पास्ता उबालने में। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल गला गला सा नहीं चाहिए, ये कट रहा है, बढ़िया है, ये है ना उबल गया है। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल दूंगी और अब मैं इसे छान के बाहर निकालूंगी। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे इसके अंदर ही। पास्ता हमने बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर अंडा डाल देंगे हम ऑयल। तो हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिए हैं और ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाता है स्मोक आने लगेगा। अभी गर्म नहीं हुआ है ये। इसमें हम डाल देंगे लहसुन छोटे करना है हमें। ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा फ्लेवर के लिए डाला जाता है, फ्लेवर अच्छा है इसका। और इसमें हमने जो प्योरी बनाया था वो डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से।
थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्ची, ताकि इसमें थोड़ा अच्छा से खिल के कलर आए, ये इनहेंस करेगा इसको। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे हमने मिक्स हर्ब्स लिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर पास्ता। तो हमारा ये पेस्ट जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ज़्यादा ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब इसके अंदर अच्छे से पक गया है, तो अब इसमें हम पास्ता ऐड कर लेंगे। और इसी में ऐड कर लेंगे हम सॉल्ट, पहले पास्ता ऐड कर लें और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। हमने इसमें लगभग 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हमारा ये रेड सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है। तो लीजिए, हमारा रेड सॉस पास्ता बनके रेडी है। इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, खाएं, बनाएं और हमें कमेंट करना नहीं भूलें कि हमारा बनाया हुआ रेड सॉस पास्ता आपको कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय, नमस्कार दोस्तों।